नई वीडियो के साथ आज आपसे बात करने वाला हूँ मैं कंट्रोलिंग की। किसकी बात कर रहा हूँ? कंट्रोलिंग। देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या हमें मेल कर दीजिए trickyeconomy@gmail.com पर। चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को, पूरी रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग। क्या नाम बच्चा? जब आप कुछ सोचते हैं, जरा एक सीक्वेंस को पकड़िएगा। सबसे पहले फंक्शन में हमने किया था प्लान। क्या किया था? प्लान। प्लान में हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया, एक गोल सेट किया। फिर उस गोल को अचीव करने के लिए हमने आसपास में अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज किया, अपनी रिसोर्सेज को उस वे में डेवलप किया। हाँ, यानी रिसोर्स ऑर्गेनाइज। फिर हमने स्टाफ भर्ती किया। क्या भर्ती किया? स्टाफ को डायरेक्शन दिया और उसने काम करना शुरू किया। बउआ, इसी के साथ क्या मैनेजमेंट के फंक्शन खत्म हो जाते हैं? सेम एंड में आता है कंट्रोलिंग, कि जो आपने सोचा, कंट्रोलिंग का मतलब सीखिएगा, व्हाट वी प्लान एंड व्हाट वी अचीव। हमने क्या सोचा और हमने क्या अचीव किया, वह कहलाता है कंट्रोलिंग। क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग। एक बात सोचो कि तुम लोग स्कूल में पढ़ रहे हो, हर साल पढ़ो और अगली क्लास में चले जाओ। क्यों हर साल के एंड में एक फाइनल एग्जाम होते हैं और उन एग्जाम के बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस कंडक्ट की जाती है? क्यों? समझ गया नहीं? ताकि आपसे पता लगा सके कि जो आपने पढ़ा, जो आपने सीखा, वह कितना आप ग्रास्प कर रहे हैं या आपने कितना अटेन किया, या जो हमारा गोल था, जो हमारा टारगेट था, हम कितना उसको अचीव कर पाए हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट है? जरा देखिए, कंट्रोलिंग मींस कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड व्हाट वी प्लान एंड व्हाट वी ऑब्टेन या अचीव। हमने क्या आउटपुट प्लान किया था और क्या आउटपुट हमने अचीव किया, और फिर करेक्टिव मेजर लेना कि जो आउटपुट प्लान किया था वह अचीव क्यों नहीं हुआ, या जो डेविएशन है, ये डेविएशन क्यों आ रहा है। क्लियर है बात? डाउट है आलोक? व्हाट वी प्लान What we achieve and find out the deviation between them. It's known as controlling. इसको कहते हैं क्लियर है? और deviation find करने के बाद कहीं रुकना नहीं है बच्चा। हम वो deviation find करने के बाद हमेशा try करेंगे कि उसको correct किया जा सके। जैसे मेरी organization ने plan किया था कि हम साल के end तक जाते जाते 2000 product बनाएंगे, पर जब साल का end आया तो हमने बनाया सिर्फ और सिर्फ 1800 प्रोडक्ट। कितने बनाए? 1800। तो ऐसे में 200 प्रोडक्ट कम रह गए। तो अब मुझे या मेरे मैनेजर को ये फाइंड आउट करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ वैभव, क्यों ये 200 प्रोडक्ट कम रहे, क्या कारण था, और फिर उन कारण को ढूंढ के एलिमिनेट करके हम अपने टारगेट के लिए एक बार फिर से प्लान करके प्रोसेस शुरू करेंगे। डाउट है बच्चा? क्लियर है बात? पक्की बात है या नहीं? आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। सबसे पहला, कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। देखिए, जितने फंक्शन है ये सभी कहीं ना कहीं गोल ओरिएंटेड होते हैं। तो आपको अगर कुछ ना समझ आए तो ये लाइन पेल के आ जाइएगा। डायरेक्टिंग इज गोल ओरिएंटेड, स्टाफिंग इज गोल ओरिएंटेड, हर कुछ कहीं ना कहीं गोल ओरिएंटेड। तो आपको खाली मुंडी थोड़ी ऐसे आओ बैठे तोता मीनू मुंह के लिए, चलो बेटे खाली करके करें क्या काम, आओ शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, ऐसा नहीं। हर चीज एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस पर निर्भर है, वही कंट्रोलिंग के साथ भी होता है। फिर बच्चा आता है, कंट्रोलिंग इज अ ऑल परवेसिव फंक्शन। देखिए, परवेसिव का मतलब हर जगह पर मौजूद होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं, स्कूल जाता है टीचर्स कंट्रोल करते हैं, बड़ी क्लास में जाता है लड़की कंट्रोल करती है, गर्लफ्रेंड बन जाती है वो कंट्रोल करते हैं, स्कूल से निकलता है कॉलेज वाले कंट्रोल करते हैं, ये कोर्स वो कोर्स, ये करियर वो करियर, उसके बाद नौकरी करता है तो कंपनी कंट्रोल करती है, शादी हो जाती है बीवी कंट्रोल करती है, फिर बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे कंट्रोल करने लगते हैं, पापा ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं। हर किसी ना किसी मोड़ पे कभी ना कभी कैसे ना कैसे कोई ना कोई किसी को कंट्रोल कर रहा है, और इसीलिए कंट्रोलिंग परवेसिव है। क्या है? परवेसिव। अब आप लोग बड़े हुए हैं, आपके पापा अगर तंबाकू चूना खाते हो तो रोकते हो ना, पापा तंबाकू मत खाया सिगरेट मत पिया, मुकेश भाई कर रहा है नहीं कर रहा कंट्रोल, तो आपकी भी काली बदलने की समझ गया। कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। पहले तो देखो क्या सोचा, उससे कंपेयर कर रहे हैं बैकवर्ड लुकिंग, अब आगे जो टारगेट है उसको कैसे अचीव किया जाए, करेक्टिव मेजर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये है फॉरवर्ड लुकिंग। क्या है बच्चा? इसीलिए कहा था कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। लेकिन कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड
फॉरवर्ड लुकिंग, बच्चा पीछे को देखते हुए अपने करेक्टिव मेजर लेते हुए हम फ्यूचर में वह गलती दोहरानी नहीं चाहते हैं। क्लियर है बात? आगे फिर क्या कह रहा है, कंट्रोलिंग इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कभी भी कंट्रोलिंग रुकती नहीं है। एक बार एक टारगेट को कंपेयर करके करेक्टिव मेजर लेके अचीव कर लिया, फिर आप अगले टारगेट के बारे में सोचने लग जाते हो, दूसरी चीजों को कंट्रोल करने लग जाते हो। इसीलिए कहा था कंट्रोलिंग इज कॉन्टिन्यूअस, कंट्रोलिंग इज कॉन्टिन्यूअस। डाउट है? चलो रिकैप लो फिर से, क्या क्या पॉइंट बताया मैंने, पहला गोल ओरिएंटेड, हेलो रिपीट करो, पहला कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, दूसरा गोल ओरिएंटेड, तीसरा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, चौथा परवेसिव। स्पेलिंग बताओ, PERVASIVE। सही लिखा है ना? लिख लेंगे। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग की सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या बचा, हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। और आपको बता दूं कि अगर क्वेश्चन में आपको किसी चीज की इंपॉर्टेंस याद नहीं आ रही है पर आपको उसके फीचर याद है तो उसके आगे हेल्प इन लगा के लिखाना। वैभव क्या करके लिखाना बच्चे? डाउट है? फिर दूसरा क्या कह रहा है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, ये आपकी एक्यूरेसी जज करने में मदद करती है। कौन अदिति? कंट्रोलिंग। कौन? कंट्रोलिंग। कैसे एक्यूरेसी? आपने कहा कि हम 200 प्रोडक्ट बना देंगे एक दिन में, साल भर के कितने हो गए? एक दिन में 365 से इंटू कर दो, हम मोटे मोटे मानते 65 दिन छुट्टी होती है, 300 दिन ऑफिस चल रहा है, 300 इंटू 2 करो कितना होगा, 600 और 2 जीरो और बढ़ा लो यानी कि 60,000। तो एक साल में आपको कितने प्रोडक्ट बनाने चाहिए थे? लेकिन आपने बनाए सिर्फ 50,000। कितने बनाए? यानी कि आप अपने जजमेंट में सिर्फ 80-90% एक्यूरेट है। आपकी जो स्टैंडर्ड है, क्वालिटी है, उसमें कितनी एक्यूरेसी है, जो आप प्लान कर रहे हो उसको कितना अचीव कर पा रहे हो, ये बताता है कौन? कंट्रोलिंग। कौन बताता है? कंट्रोलिंग। फिर क्या आता है बच्चे, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कोई वेस्टेज ना हो, और अगर कहीं पर कोई रिसोर्स गलत कर रही है, वेस्ट हो रही है, तो उसके लिए करेक्टिव मेजर लेने के लिए भी कौन वार्न कर देता है? कंट्रोलिंग। क्योंकि जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाया, मतलब कहीं ना कहीं रिसोर्स वेस्ट हुई। अब रिसोर्स वेस्ट होने के लिए कारण फाइंड करोगे, एलिगेशन फाइंड आउट करोगे या नहीं करोगे? इसमें आएगा कंट्रोलिंग। फिर इम्प्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन, अगर टारगेट अचीव हो गया तो आप एम्प्लॉइज को मोटिवेट करोगे? जरूरत ही नहीं करने की, पूछो क्यों? एम्प्लॉइज अपने आप मोटिवेट, दिखा कहा था 6,000 बना के दिखाएंगे, बना दिए, अपने अंदर ही मोटिवेशन आ जाता है। क्लियर है? उसके बाद क्या कह रहा है बच्चा, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, साथ ही साथ ये आपको ऑर्डर और डिसिप्लिन को बनाए रखने में भी मदद करता है। अगला क्या कह रहा है फिर, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन, बेटा आप जो एक्शन ले रहे हो, आपने जो प्लान किया उसके अनुसार आपने एक्शन लिया, अब उसके बीच में कोऑर्डिनेशन किसके कारण से बनेगा? कंट्रोलिंग। क्योंकि आप टाइम टू टाइम सुनो, हम लोग 50 प्रोडक्ट डिले चल रहे हैं, अब आप और आपस में कोऑर्डिनेट करोगे और उस डेविएशन को पूरा खत्म करोगे, और जो आपका गोल है उसे अचीव करने के लिए और ज्यादा काम करोगे या नहीं करोगे? कोऑर्डिनेशन बढ़ा रहा है नहीं बढ़ा रहा है? वो क्या दिक्कत बढ़ा रहा है? आगे देखिए, अब हम अगर रिलेशनशिप की बात करें, नेचर एंड कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड, दोनों एक दूसरे पे रिलेटेड भी है और दोनों इंडिपेंडेंट भी है। जैसे प्लानिंग इंडिपेंडेंट रहेगी लेकिन कंट्रोलिंग प्लानिंग पर ही डिपेंडेंट होगी, क्योंकि अगर तुमने कोई प्लान ही नहीं किया तो कितना ही बना लो, कंट्रोल क्या करो, कर दू आया ना, कोई टारगेट ही नहीं सेट किया तो फिर कुछ भी बना लो वही बेस्ट है। क्लास में इकलौता बच्चा है वो 10% लाए, 20% लाए, 70% लाए, टॉप वही करना है या नहीं? समझे? अगर टॉप करने की इच्छा हो तो पिताजी से कहो एक स्कूल खुलवा दे और उसमें सिर्फ तुम अकेले पढ़ो, फर्स्ट से लेकर 12th तक सब में टॉप करोगे। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग, दोनों ही आगा और पीछा देख के काम चलते हैं। फिर प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव, व्हेयरएज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। प्लानिंग में हम प्लान करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं कि हमें ये करना है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन जब आप रिपोर्ट टेस्ट कराते हैं तो वो आपको इवैल्यूएट करता है कि आपकी कितनी बीमारी है, वही कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग में हम मेजर करते हैं कि कितना प्रोडक्ट हुआ,
कितना आउटपुट निकला, लेकिन प्लानिंग में हम इवेल्युएट कुछ नहीं करते, हम सिर्फ प्रिस्क्राइब करते कि हमें इतना करना है, डाउट है। उसके बाद कंट्रोलिंग के प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। पहला क्या कह रहा है, सेटिंग अप ऑफ टारगेट, एक टारगेट सेट करो, फिर एनालाइज या मेजर द परफॉर्मेंस। जो टारगेट आपने सेट किया उसके अनुसार आप परफॉर्मेंस को मेजर करिए कि आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, फिर कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस। हमने सोचा था कि पर आदमी डेली के 10 यूनिट बनाएगा, पर अभी बन रही है 8। कितनी बन रही है? 8। यानी कि परफॉर्मेंस में दो प्रोडक्ट का डेविएशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ या ना? एनालाइज एंड डेविएशन, हमने डेविएशन निकाला कितने का डेविएशन है, फिर टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, और फिर हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं उस डेविएशन को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज फीडबैक, फिर हम फीडबैक देते हैं कि भैया ये कारण थे, 2 दिन एम्प्लॉय नहीं आए थे, इसलिए इसके 2 प्रोडक्ट कम बन रहे हैं पर डे के हिसाब से, तो ये अभी आगे चल के ऐसा हो जाएगा, डाउट है। एक बार प्लान कंट्रोलिंग के प्रोसेस, एक बार कंट्रोलिंग के प्रोसेस को दोबारा से रीकैप लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे व्हाट वी प्लान एंड व्हाट वी अचीव्ड, एंड फोर्थ फाइंड आउट द डेविएशन, क्या सोचा था क्या मिला और उसके बीच में कितना डेविएशन है, फिर करेक्टिव मेजर लो अगर डेविएशन बहुत ज्यादा है। याद रखना इसमें 2 चीजें होती हैं, एक क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देखिए क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है कि ये एक अलार्मिंग सिग्नल है, आपको इमीडिएटली इसको कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की पर यूनिट कॉस्ट 1 रुपए से महंगी हो गई, पर यूनिट कॉस्ट 1 रुपए से महंगी, तो कंपनी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि अगर साल भर में कंपनी 6 लाख प्रोडक्ट बनाती है तो उसका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 6 लाख रुपए से बढ़ जाए, तो इसको कंपनी इग्नोर नहीं कर सकती। ये है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्या है बच्चा? क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन किसी कंपनी में पोस्ट ऑफिस के चार्जेस 10 रुपए से महंगे हो गए, कितने से महंगे हो गए? 10 रुपए। तो ऐसे में कंपनी इसको इग्नोर कर देगी। पूछो क्यों? क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे पोस्ट ऑफिस नहीं जाते, तो ये आएगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्या आएगा? दोनों बातें क्लियर है, हाँ या ना? याद रखो अगर कभी पोस्ट ऑफिस के खर्चे 10% से बढ़ गए तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन आती है कि हमें कभी कभी जाना होता है इतनी दिक्कत। लेकिन अगर प्रोडक्शन कॉस्ट 2% से भी बढ़ी तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, दिक्कत। फिर क्या कहना बच्चा? फीडबैक। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म। अब हम आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और जितना ज्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को प्रमोट कीजिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत, बीएसटी में फोड़ के मानना।